उसको घर से निकाल देगा इस बड़े पापा ने। चलो ओ हेलमेट मत ले जा मेरा, हेलमेट नहीं। हेलो गाइज, वेलकम माय टू चैनल। आज मैंने अम्मा के हाथ में कैमरा पकड़ा दिया। मैंने कहा अम्मा हाथ में कैमरा पकड़ के ब्लॉग करो तब मजा आएगा, लेकिन उल्टा फुल्टा बोल देती हो आप। वेलकम बैक टू माय चैनल ऐसे बोलना है। चलो कोई बात नहीं, आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो अभी 5 बज गए हैं, ब्लॉग शुरू हो गया हमारा। तो हमारी सीडी तो आ चुकी है, बट एक प्रॉब्लम है। तो गाइज ये है इतनी बड़ी और 170 किलो की सीडी, ठीक है। अब इसको पहुँचाना है हमको ऊपर, तो समझ में नहीं आ रहा पहुँचाएँ कैसे, कुछ ज़्यादा ही भारी है ये। 3-4 जनों से तो होगा नहीं काम, तो इसके लिए कम से कम 7-8 जने तो चाहिए। तो इसको रस्सी बांध के आई थिंक ऊपर खींचेंगे, जैसे खींचेंगे। सो देखते हैं अभी इसका कैसे काम होता है। उससे पहले मुझे जिराफ वाले वर्क में फिक्सेटिव करना है। इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने अपने आर्ट वाले चैनल पे आज अपलोड कर दी है। बोलने नहीं दे रहे। इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने अपने आर्ट वाले चैनल पे आज अपलोड कर दी है। ये है फाइनल वर्क, तो इसको फिक्सेटिव करते हैं। क्या कशिप बड़ा सा था, अच्छा लग रहा है। अम्मा कह रही कैसे बनाता है तू, पेंसिल से बनाया, ये चारकोल से। कैसा है मम्मी, ठीक है? मेरी चाय तू चाय मत रखो, मैं गिर गई तो। मैं एक काम करता हूँ, गली में जाता हूँ वहाँ जाके फिक्सेटिव कर लेता हूँ। यहाँ कर लिया तो पूरा रूम के अंदर फैल जाएगा, बिकॉज साइज भी। बड़ा है तो गली में जाके करना, ठीक है? अंदर पूरा फैल जाएगा और हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम गली में ये ट्राइपॉड लेके आया हूँ। बस हो गया काम। जो लोग नए हैं जिनको इस स्प्रे के बारे में नहीं पता, तो आप कमेंट करते हो कि ये क्यों करते हो आप अपने ड्राइंग में। तो इससे क्या है ना, प्रोटेक्ट रहती है। और अगर मैं इस पर हाथ लगाऊंगा ना तो बिल्कुल भी उंगलियों पर लगेगा नहीं चारकोल या ग्रेफाइट। तो ये प्रोटेक्ट है, इसको मैं फ्रेम करवा सकता हूँ आराम से। अभी सालों साल तक सही का सही रहेगा। अगर ना करता तो इसके ऊपर हाथ लगाओ तो ये पूरा फैल जाता। तो बस यही बेसिक सा रीज़न होता है ये करने का। और इसकी वीडियो भी आप लोगों को काफ़ी पसंद आई, थैंक यू सो मच। आज ही आर्ट वाले चैनल पे अपलोड किया, तो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। न्यू स्टूडियो में लगाऊंगा, मस्त लगेगी। क्या नहीं सूख गई तो भी अग्री मैं अग्री को पसंद आ गई ड्राइंग। कैसी लगी? कितना टाइम लगा इसको? ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 8-9 घंटे ही लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 8-9 घंटे। तो ये दो फिक्सेटिव स्प्रे जो कि मैं यूज़ करता हूँ, एक तो कॉन्टे पेरिस का है और एक फिक्सेटिव ये कैमलिन का है। ये वाला एक्सपेंसिव है थोड़ा, 600 का, और ये अराउंड 250 रुपये का मिल जाता है। बट ये वाला बेस्ट है। इस वाले में ना गीला गीला हो जाता है, जैसे देखो यहाँ पे गीला गीला हो गया। एक काम कर, भी इसको उठाई हुआ बेड में डालना है, बेड में। सुन मैं हल्का सा उठाऊंगा, ठीक है? डाल दियो आप दोनों की जो बहुत जरूरत है सरदारों को। भाई दोनों ले, भाई डाल दे आराम से, आराम से आराम से, मुड़ना नहीं चाहिए। ओके ब्रदर, सीधा सीधा, बस बस हो गया। पूरा का बेड में क्या पाया गया? 70 सूट शर्ट। हमारे बेड में क्या मिलता है? आर्ट वर्क, डिस्प्ले बुक्स, ड्राइंग का सामान। आप दोनों एक जैसे हो, जब भी बैठ रहे तो दोनों में फोन की। हां आपके भी 10 से नीचे, इसकी भी 10 से नीचे, 10 से नीचे में वीडियो बनाते हैं। क्यों मेरी होती 70 से कम? अच्छा हां, ये भी ओपन करने थे। चल अनबॉक्सिंग, चार पार्ट चले। कटर उठा लो। सबसे पहले ये किसने भेजा है? अनुज सिंह ब्लॉग्स ने। खोल ले, एक्सपीरियंस नहीं है इसको खोलने का। ये मुझे नहीं आता ना। एक फायदा हो गया, बबल रैप आ गया, बबल रैप आ गया। पटाते रहूंगा। क्यों सर, इसमें सौरभ की फोटो पास होएंगे? ओहो यार तुम पागल हो क्या? आर्ट वर्क कितना प्यारा, कितने प्यार से भेजा किसी ने, तुम हंस रहे हो। मार खाएगा ध्यान दे। मामी क्या कर रहा है? एक बार किसी ने प्यार तो भेजा भाई, फिर भी नहीं भेजा तो कब फिर भी बैठा था ना। तू यहाँ दे यार, तू यहाँ दे भाई, दे दे जिस नहीं भेजा। गलत बात है, गलत बात। नो तो यार लेकिन आर्ट वर्क देख कर लिया किसी भाई। यार रो कौन सा है, सॉरी। थैंक यू नसिंग आर्ट, थैंक यू सो मच गाइस। मैं बहुत वीडियो बना, मैं जी ने भी भेजा, सॉरी। बस रो कौन पाया बेटा, तुम बनाने लोगे ना, तुमसे तो ये भी नहीं बनेगा, तुमसे तो लाइन भी लगेगी। बेरा यार मामने, लेकिन थोड़ा है फनी ये तो देखे। कोई नहीं, तुमसे ड्राइंग बनाऊंगा तब देखेंगे कितना फनी बनाओगे तुम। फ्रॉम यू वन सचदेवा।
यार ये गलत बात, अम्मा हंस रहे हैं यार, ये कोई किसी ने भेजा, हंस रहे हैं उससे। तुमसे बनवाऊंगा मैं, इनसे बनवाऊंगा मैं, फिर चलेगा। कितना अच्छा बने भेज, कितना अच्छा बने, तुम बड़े भेजो, तुम बना के दिखाओ ना। हाँ अम्मा ने सही बोला, अम्मा जिसको जैसा आएगा, जिसने जितनी प्रैक्टिस की होगी वैसा ही बनेगा ना। तुम बना के देखो एक बार कैसा बनाते हो। आर्टिस्ट आदित्य सोनी। अच्छा ये वो है मैंने बनाया था, मेरे को याद आ गया, ये याद है, बिना आउटलाइन के बनाया था। फ्रॉम मावी आर्ट्स। मेसी अभी ये हंस रहे हैं ना, रुक जाओ थोड़ा टाइम, रुक जाओ मेरा स्टूडियो बनना है तो फिर मैं इससे बनवाऊंगा। फिर इसको जो थप्पड़ लगेंगे ना जब नहीं बनाएगा ये, फिर मैं हंसूंगा इसके ऊपर, आप लोग हंसना जब इसको थप्पड़ लगेंगे। थैंक यू सो मच गाइस भेजने के लिए। अब थैंक यू सो मच गाइस भेजने के लिए, अगर आपको भेजना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना एड्रेस दे दूंगा। तो एक लेटर भी है, देख के आते हैं क्या ठक ठक चल रही है, क्या ठक ठक चल रही है। अच्छा यहाँ टीन लगाओगे, तो ये टीन लगेंगे यहाँ पे। फिलहाल तो मेरे रूम को स्टोर रूम बना दिया है, यह सारा सामान सामान रख के। अबा जी सीढ़िया क्या करना है, कितने बंदे बुलाऊँ, 10-12 बंदे आ जाओ गाइस, आ जाओ। पहले नहीं बोला आपने, मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल देता, उसमें बोल देता जो आसपास के हैं आ जाओ, हमको आपसे सीढ़ी उठवानी है। सो गाइज आई हैव गॉट ए न्यू बाइसाइकिल जो कि मैंने आज ही लिया, देखो कितनी मस्त लग रही है। तो अभी मैं आपको राइड करके दिखाता हूँ, बाहर का साइकिल व्लॉग करते हैं, मोटो व्लॉग, साइको व्लॉग, बहुत मस्त लग रही है। कलर देखो काफ़ी अच्छा है, मेरा फेवरेट कलर। पीछे बैठने के लिए जगह नहीं है तो मेरे को अकेले जाना पड़ेगा। सो चलो गाइज चलते हैं हमारी न्यू साइकिल पे, आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा स्मूथ है ये। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते भाई। सो गाइस जो साइकिल है वो काफ़ी प्यारी है, देखो बिल्कुल स्मूथ, कोई आवाज़ नहीं। पीयूष पीछे पीछे आ रहा है, पीछे पीछे क्यों आ गया? I am following you. क्यों? बैठे। तो मैं तो साइकिल पे हूँ, तो बैठने की जगह भी नहीं, तेरे को तो बिठा लेता मैं, घर जा घर। भाग के कहाँ जाएगा, भाग के आएगा यार। एक्चुअली स्ट्रीट लाइट्स नहीं है तो आपको अच्छे से कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स आ रही है वहीं पे दिख रहा होगा बस। पीयूष भाग रहा है, पीयूष पीछे पीछे भाग रहा है। पीयूष यार मैं आपको बिठा ही नहीं सकता, सही है तेरी रनिंग होगी। इसकी टॉप स्पीड है 450 किलोमीटर पर आवर, तो अभी मैं चला रहा हूँ 150 पे, बिकॉज गली में चला रहा हूँ तो गली में तेज़ नहीं चलानी चाहिए, जब रोड पर होता तो तब मैं 450 पे चला लेता हूँ, अभी अंधेरा आ गया है। आई होप यू गाइज हैव इन्जॉयड टूडेज शॉर्ट एंड सिंपल राइड। सबसे बढ़िया बात मुझे साइकिल की ये लगी कि ब्रेकर के ऊपर से भी ले जा सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी झटका महसूस नहीं हो रहा है, बट फिर भी मैं ब्रेकर के ऊपर से नहीं ले जा रहा हूँ। अब मैं साइकिल करता हूँ यहाँ पे, और बाइक मैंने बेच दी है और ये साइकिल ले ली है, बिकॉज थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो रहा था, तेल भी बचेगा। खाने में क्या है अम्मी, ये क्या है, अरबी, अरबी की सब्जी और रोटी। चल सो अभी मैं चलता हूँ ऊपर छत में, दिखाता हूँ आपको, सीढ़ी लगा दी है, कुछ भी शूट नहीं कर पाया बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी सारा काम हुआ। तो ये है सीढ़ी, अभी मतलब ओनली रखी है। साइकिल बढ़िया आपकी, मेरी साइकिल ले इनकी साइकिल, क्या नाम आपका? मैंने बोला पहले मेरी है, बढ़िया है। कितने की ली? 12:30 तक की है। अच्छा रात को पता नहीं गोप्रो में कुछ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। क्या फ्रूटी कहाँ से ले आया, मेरे को भी दे, यहाँ दे दे पीसी, ये थोड़ा सा दे दे भाई, नहीं है भाई थोड़ा सा प्लीज़। अरे एक चक्का दे देना, देख लो गाइस एक फ्रूटी नहीं दे रहा, वो डाल के दे, स्ट्रॉ के दे, स्ट्रॉ के साथ। बस मैंने कैमरा भी नहीं, मैंने खींचा भी नहीं, खींचने वाला था मैं, दे। अरे नहीं खींचा मैंने, मैं हवा मुंह में भर रहा था खींचने के लिए, सच्ची नहीं खींचा मैंने, दे देना। देख मैंने मुंह में हवा भरी, मैं बोलूँगा एकदम से खींचूंगा, तूने खींच ही लिया, गलत बात। क्या हुआ? दो बार खींच लिया, पहले भी खींचा था। अरे साइकिल गायब हो गई गाइस मेरी, जिसकी थी वो ले गया, और मेरी बाइक बाहर खड़ी है। तो ये रही हमारी बाइक,
क्या हुआ? अरे इसी कौन भाई है? इसी इसी कभी आवश्य हो, इसी करो आवश्य हो। तो साला घर में निकाल दो, नौकर ले यार। घर से ही निकालोगे? ये क्या कर रहा है? यार अच्छे इतना मस्त कंटेंट बनता सीडी वाला, कहाँ था तू? कैमरा पकड़ लेता। पीयूष को घर से निकाल देगा इस बड़े पापा ने। चलो, ओ हेलमेट मत ले जा, मेरा हेलमेट नहीं, चप्पल तो डाल ले, चप्पल तो डाल ले, हेलमेट डाल, हेलमेट दे। छोड़, मैं तो जा रहा हूँ अपने कमरे में। हे गाइस, सो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और वो साइकिल वाली बात, मेरी साइकिल नहीं थी, वैसे मजाक कर रहा था, तो आई होप आप माइंड नहीं करोगे। वैसे मुझे लेनी है साइकिल, साइकिल ही मैंने आपको बोला था, तो साइकिल ले लूँगा मैं। वैसी अच्छी लगी मुझे, तो अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप सजेस्ट कर सकते हो। आई होप वीडियो पसंद आएगी, पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और इसकी वीडियो देखनी है ना आपको? यार खाले फड़ भेड़ भेड़ भेड़।